हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पावर ऑफ इंडस्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूं सर्विस। आज हम बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में, जेपी पावर के बारे में। एक पैनी स्टॉक है जेपी पावर। सो वी विल गो अहेड इन दिस वीडियो। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर है कि मैं पर्टिकुलर जेपी पावर के बारे में बात कर रहा हूँ या फिर डिस्कशन करने जा रहा हूँ या फिर आपको फाइनेंशियल या फिर बिजनेस मॉडल बताऊंगा, तो मेरी आपको कोई एडवाइज नहीं रहेगी कि आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें। आपको जो भी कुछ करना हो कृपया आप अपना ड्यू डिलिजेंस अवश्य कर लें, मेरे कहने से यहाँ पे लर्निंग करेंगे कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सो जयप्रकाश पावर वेंचर एक पावर जनरेटिंग कंपनी है। यहाँ पर लिखा भी है 1994 में जेपी पावर का इनकॉर्पोरेटेड हुआ है और ये थर्मल पावर एंड हाइड्रो पावर जनरेशन में है, कोल माइनिंग में भी है और सीमेंट ग्रेडिंग में भी है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है और अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो हमको ये सारा कुछ मिल भी जाएगा। ये हाइड्रो पावर में है, थर्मल पावर में है, तो ये इनका बिजनेस है और बिजनेस काफ़ी अच्छा है एज सच, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो हमको आगे बहुत पड़नी है। जैसे जैसे करके अगर हम ई व्हीकल्स पे जा रहे हैं और इंडस्ट्री का सेटअप होने जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ चीज़ पॉसिबल नहीं है। हालांकि कंपनी काफ़ी कुछ समस्याओं से जूझ रही है, बट इट इज़ अ पेनी स्टॉक, पेनी की तरह लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कुछ अच्छा सा लग भी रहा है इसमें मूवअप जाने का। सो बेसिकली क्या है कि कंपनी में मेनली तीन ही चार बिजनेस इनका पावर जनरेशन का है, कोल माइनिंग का है, सीमेंट ग्रेडिंग का। तो बिजनेस का सेगमेंट काफ़ी ठीक ठाक है। और अब हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल की। तो कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 3900 करोड़ रुपये आज की तारीख में है, 3900 करोड़ कंपनी के मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो 5.70 रुपये है और स्टॉक का 52 वीक का हाई 9.45 एंड 5.15 गया है। स्टॉक का पी 40 के पी पे चल रहा है, इंडस्ट्रीज का पी जबकि 18.8 है। इंडस्ट्रीज के पी से स्टॉक का पी ज़्यादा है, थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, बट एज सच मेरे हिसाब से नहीं है, बिकॉज आई विल टेल यू। बुक वैल्यू 15 रुपये, दिस इज़ द मेन फीचर हियर कि बुक वैल्यू 15 रुपये है और शेयर ट्रेड कर रहा है सिर्फ 5 रुपये पे। तो इसका टारगेट मेरे हिसाब से 15 रुपये तक हो सकता है, आप 15 रुपये के टारगेट तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। डिविडेंड सर्व नहीं करती है, ROC 5.59 है क्योंकि कंपनी पे डेट ज़्यादा है, इसलिए ROC और ROE पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ROE 1.04 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। इंडस्ट्रीज का पी मैंने बताया आपको, पैग रेशियो 2.53 है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि 2.53 क्यों निकाला, बिकॉज थर्मल पावर और क्या बोलते हैं आपकी हाइड्रो पावर की डिमांड कम हो जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। बिकॉज ऐसे नहीं कि हम एक दिन में सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे, एक दिन में हम इलेक्ट्रिक की जो यूज है ना पावर, सोलर या विंड एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएंगे। इट इज़ अ लॉन्ग टाइम, एक टाइम लेगा धीरे धीरे करके, तो शायद ये कंपनी अभी उसी तरफ टर्न अराउंड हो जाए। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.36 है और प्रमोटर की होल्डिंग 24.0 है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 है, काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। बिकॉज मेरे हिसाब से 0.50 इज एडजस्टेबल डेट रहता है, इससे ज़्यादा रहता है तो थोड़ी दिक्कत है, बट यहाँ पे ठीक आ गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यार 97 करोड़ दिख रहा है और 3 साल पहले मार्केट कैप 1109 करोड़ थी, यानी शेयर का प्राइस अप हो चुका है। प्राइस टू अर्निंग 40.0 है और क्विक रेशियो 1.18 है। ऑल टाइम हाई 144 रुपये है। नंबर ऑफ एक्टिव शेयर 685 करोड़ है। प्लेज परसेंटेज भी दिया गया है, बोला ऑल टाइम ज़्यादातर जो कुछ है वो प्लेज ही है, गवर्नमेंट बैंक के पास है ज़्यादातर। सो अब हम देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ। अगर दिसंबर 2019 से देखें दिसंबर 2022 की जर्नी, तो सेल्स काफ़ी इंप्रूव हुई है और बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का आप जानते हो सीजनल वाइज भी थोड़ा बिजनेस रहता है। बिकॉज अगर हम बात करें रेनी सीजन में और विंटर सीजन में थोड़ा सा डिमांड कम हो जाती है, तो उसी हिसाब से सप्लाई भी कम हो जाती है। और जहाँ बात करें अपन जो समर सीजन में, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी हिसाब से प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन इनकी सेल्स देखें तो सेल्स काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है 3 साल के अंदर। और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 178 से अभी 10 करोड़ दिख रहा है, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, इसलिए शेयर का प्राइस डाउन हुआ। बट मुझे लगता है कि ये सब इन्होंने लोन वगैरह कर्ज वगैरह थोड़ा चुकाए हैं, इसलिए इनको सारी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस कर रहे हैं। बेसिकली हमारे हिसाब से ठीक है, अगले साल मार्च के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो जहाँ पे ऑलरेडी कम हो ही जाएंगे आपके। अदर इनकम भी दिख रही है 1085 करोड़ माइनस से 5 करोड़ दिख रही है। अदर इनकम पे भी प्रेशर रहा है इस क्वार्टर में, बेसिकली दिसंबर के क्वार्टर में। और इंटरेस्ट भी 227 करोड़ माइनस में था, अभी 135 करोड़ इंटरेस्ट जा रहा है। तो मेन प्रॉब्लम कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा है, उसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए कंपनी बेसिकली लॉस में आई है। डेप्रिसिएशन भी 117 करोड़ जा रहा है, ये एंट्री से अकाउंटिंग एंट्री है, पैसा कहीं जाता नहीं है।
तो कंपनी के फाइनेंशियल देखें, नेट प्रॉफिट काफ़ी गड़बड़ाए हैं, बिकॉज कभी माइनस में कभी प्लस में। बेसिकली मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दिया, इट इज़ ए पेनी स्टॉक, उतना ही फंड लगाना कि अगर डूब जाए तो कोई दम ना हो, और अदरवाइज मत लगाना। इट इज़ जस्ट मैं एक अंडरस्टैंडिंग लेवल से बता रहा हूँ, बिकॉज ये इस टाइप कंपनियों के साथ कुछ भी हो सकता है, बट अच्छी भी हो सकती है। बट बिजनेस सेगमेंट ऐसा है, डिमांड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है। सबसे बड़ी बात तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है, कंपनी इज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ में हाईएस्ट एवर सेल्स दिख रही है, 5,813 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा प्रेशर है, कम है, 1,168 करोड़। बट अगर हम ओवरऑल नेट प्रॉफिटी की बात करें तो 97 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो गुड साइन हियर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 390 करोड़ है, ये भी अच्छा है। 468 करोड़ कहीं जाने वाला नहीं है डेप्रिसिएशन की मनी। और अब हम बात करें बैलेंस शीट की, तो कंपनी के पास शेयर कैपिटल 6,853 करोड़ का है, रिजर्व भी इनके पास अच्छा है, 3,853 करोड़ का इनका खुद का पैसा है, लोन है इनके पास 4,807 करोड़। तो रिजर्व से ज़्यादा इन्होंने लोन ले रखा है, बट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व जोड़ेंगे तो काफ़ी कुछ है मेरे हिसाब से, इसलिए इसका बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टारगेट इज बुक वैल्यू, मेरे हिसाब से बुक वैल्यू तक इसको लेके रखा जा सकता है, और थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। जैसा कल मैंने अपने यूट्यूब पे एक स्क्रिप्ट डाली है, तो आप देखना उस पर, आपको पता लगेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिक्स असेट भी 13,557 करोड़ का है, काफ़ी अच्छा फिक्स असेट ग्रो हुआ है, 399 करोड़ का वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो ये भी अच्छा है। और कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव आता है, ये भी अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो 24% प्रोमोटर के पास है, बाकी FII और DII पब्लिक के पास है। पब्लिक में भी ज़्यादा तकरीबन 5% यहाँ पर JP के पास दिख रहे हैं, JP VIP ट्रस्ट मोर देन 44% के आसपास पब्लिक के पास है। तो पब्लिक के पास ऐसे स्टॉक थोड़ा ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट इट इज़ ए मार्केट, ऐसा चलता है। सो अब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे मैंने JP पावर का चार्ट ओपन कर रखा है, और चार्ट में अभी क्या दिख रहा है, चार्ट में ये दिख रहा है कि कंपनी अभी जो इस रेंज में चल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है, और सपोर्ट इन द सेंस ऑफ ये सपोर्ट, एक तो यहाँ पर सपोर्ट रहा, ये इस रेंज में दे ही रहा है, फिर ये यहाँ पर सपोर्ट दिया इन्होंने, यहाँ पर, यहाँ पर भी कई टाइम पर चलता रन किया, फिर ये यहाँ पर भी सपोर्ट दिया। अब मुझे ऐसा एज सच नहीं लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा ज़्यादा निगेटिव होता है तो शेयर प्राइस गिर सकती है, बट इट इज़ अ गुड सपोर्ट ऑफ कंपनी। जब भी यहाँ से मूव अप हुआ शेयर तो वहाँ पे सपोर्ट जरूर दिया है नीचे जाने के बाद, तो एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। और टारगेट तो बेसिकली वो है जो इसका बुक वैल्यू है, और अगर बुक वैल्यू नहीं देखा जाएगा तो फिर आप टारगेट दूसरा सेट कर सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने हाई मारा था। कंपनी का जो लास्ट ईयर हाई लगा था 11-13 जनवरी 2022 को 10-11 रुपीज़ के आसपास, अगर हम उसको टारगेट लेके चलते हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा गेन मिल रहा है। और टारगेट इज हेयर, इट इज इट इज 93% 94% 94% अगर 2-3 साल में भी आ जाए तो भी बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता नहीं है ऐसे 3 साल लगेंगे, बट 3 साल भी आया तो JP पावर जैसे पेनी स्टॉक के लिए 3 साल में भी आ सकता है, कोई 6 महीने में भी आ सकता है। तो इट इज़ द वीडियो ऑफ JP पावर, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और शेयर भी करिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। सो टिल देन टेक योर सेल्फ, बाय बाय।